हालत है। और आपको याद नहीं होगा कि आपके घर दुख सुख में कभी कोई सांसद आया होगा। कल्पनाथ राय के बाद मुझे तो लगता है यहाँ जितने नौजवान पीढ़ी या मेरे उम्र के लोग हैं उन्होंने कभी अपने सांसद का चेहरा भी नहीं देखा होगा। देखा है किसी ने? नहीं देखा है। अब बताइए, आप जिसको अपना नुमाइंदगी करने के लिए चुनते हैं मुसीबत में उनसे बात न कर पाए, जरूरत पर आपके साथ खड़े न हो पाए, आपके सुख दुख में कहीं नजर न आए, और ऐसे ही प्रत्याशी इस बार बाकी दलों ने भी भेज दिए जो कहीं टिकते नहीं है। जो एक पार्टी में नहीं टिकता, एक जगह पर नहीं टिकता, वो आपके लिए क्या टिकेगा? अगर नौकरियां नहीं लग रही है, पुलिस क्या 50-60 लाख बच्चे जो 5 साल बाद 6 साल बाद बड़ी उम्मीदों के साथ भर्ती होने गए थे और पेपर लीक कर दिया गया, 13 भर्तियों के पेपर लीक हो गए। माँ बाप पैसे देते हैं, उम्मीदों के साथ बच्चे को भेजते हैं और पेपर लीक हो जाता है, तो सबके, चाहे इस बिरादरी का हो, चाहे उस बिरादरी का हो, चाहे इस पार्टी का हो, चाहे उस पार्टी का हो, कुछ बातें पार्टी के चश्मे से बाहर दिखनी चाहिए, जात के चश्मे से बाहर देखना चाहिए, मजहब के चश्मे से बाहर देखना। अगर परेशानी है तो है, और लोकतंत्र में अगर परेशानी है तो आवाज़ उठाने का हक आपको है, और फिर भी अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो 5 साल में लोकसभा में या विधानसभा में लोकतंत्र में एक हक मिलता है कि उस सरकार को बदल दो। लोहिया जी कहा करते थे ना, रोटी को भी तवे पर पलटा करो नहीं तो जल जाती है। मैं निवेदन इतना करने आया हूँ कि अगर 5 सालों में आपके गाँव में किसी नौजवान बेटे भाई को रोजगार नहीं मिला तो सरकार को भी बेरोजगार करना आपकी जिम्मेदारी पड़ती है, सरकार का हटाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके गांव में 50 रुपया 100 रुपये का अनाज देकर 3 गुना दाम सिलेंडर का बढ़ा दिया जाता है, आपका ट्रैक्टर का दाम का डीजल बढ़ा दिया जाता है, बाइक के पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया जाता है, हर महंगाई 3 गुने हो गई। सोना का दाम कितना आजकल, मंगलसूत्र बहुत हम लोग भाषण में कर रहे हैं, सोना का दाम कितना था? 75,000 हो गया 10 ग्राम का, और 24,000 था 2014 में। तो सुनो, इतना महंगा कर दो कि अपना बेटी बहन के मंगलसूत्र नहीं कुछ खरीद सकते। साथियों, आप, मुझे नहीं पता किस गांव के लोग किस पार्टी को मानते हैं न मानते हैं, मैं जात धर्म पार्टी में नहीं जाता, मैं सबके चरणों में प्रणाम करके मैं आपके धरती का बेटा हूं, आपका भाई हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूं कि खामोश रहना भी अपराध होता है, अपने आने वाले पीढ़ियों को बर्बाद होते देखकर भी अगर